जय श्री राम बंधुवर। आज के इस सत्र में मैं धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद के बारे में कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूंगा। धार्मिक ग्रंथ विशेषकर रामचरितमानस, रामायण या महाभारत, इसका अनुवाद आपको काफी पहले से हिंदी से अंग्रेजी में किया हुआ मिल जाएगा। कई लोगों ने, कई विद्वजनों ने किया है और इसके ऊपर लोग आज भी अनुवाद किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमारा एक टेलीग्राम मंच भी है, SSC_Translators, उसमें लोग अनुवाद का अभ्यास करते हैं और उनको मार्गदर्शन दिया जाता है। उस मंच पर भी 2-3 दिनों से सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों के अनुवाद की बात चल रही है, उसका अनुवाद का अभ्यास किया जा रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद में बड़ी विभ्रांतियाँ हैं। अगर आप अनुवाद की परंपरा देखें तो उससे हिंदू धर्म ग्रंथों की जो अनुवाद अंग्रेजी में हुए हैं उसे मिलाएं तो लगता है कि पता नहीं कितने कोसों दूर है मूल अनुवाद के रूप से यह अनुवाद। विशेषकर जब नामों की बात आती है, अब मैं सुंदरकांड का अनुवाद देख रहा था, कुछ लोगों ने इसके ऊपर अभ्यास भी करने का प्रयास किया। उसमें हनुमान जी को लोगों ने दिखाया है मंकी गॉड, हालांकि हनुमान उनका नाम है और उनके नाम के कई रूप हैं, जैसे कहीं कपि लिखा गया है, कहीं कपीश लिखा गया है, तो नामों को लोगों ने हनुमान को मंकी गॉड लिख दिया है। अब आप स्वयं बताएं कि क्या ऐसी परंपरा है अनुवाद में कि किसी के नाम को अनूदित कर दिया जाए। अब उदाहरण मैं लेता हूँ, विकास नाम है हिंदी में, तो विकास का अनुवाद क्या जब आप करेंगे तो उसे डेवलपमेंट कर देंगे, या फिर मेरा नाम विनय है तो जब विनय का अनुवाद करेंगे तो क्या आप प्रेयर या रिक्वेस्ट कर देंगे। इस तरह से कई ऐसे नाम हैं, जैसे सूर्य प्रकाश हैं तो क्या उसे सनलाइट कर देंगे। इसी तरह से अंग्रेजी में भी कई ऐसे नाम हैं जिनका आप अनुवाद क्या हिंदी के अनुसार कर देते हैं। ध्यान दें, यह अनुवाद के नियम के प्रतिकूल तो है ही, नामों का अनुवाद करना, सांस्कृतिक वस्तुओं का अनुवाद करना। साथ ही साथ यदि आप गलत ढंग से अनुवाद करते हैं तो आप एक तरह से इन धर्म ग्रंथों की परंपरा या फिर इन धर्म ग्रंथों को कहीं ना कहीं नकार रहे हैं या उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ का यदि अनुवाद कर रहे हैं तो उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, भावनाओं का जब आप अनुवाद कर रहे हैं तो उसके अनुवाद में थोड़ी सावधानी बरतें, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ होने की संभावना रहेगी और इस अनर्थ के कारण बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इंटरनेट पर सुंदरकांड का अनुवाद मैं देख रहा था, अंग्रेजी अनुदित सुंदरकांड कई वेबसाइटों पर है और हर जगह लोगों ने इसी रूप में हनुमान का नाम लिया है, जो गलत है। ढंग से धर्म ग्रंथों का अनुवाद हो और अनुवाद हो तो नामों को भ्रमित करने के रूप में न चिन्हित किया जाए।